हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजी टू स्कोर इन इंग्लिश लैंग्वेज 2020 आईसीएसई क्लास 10th एग्जाम कि आखिर आपको क्या स्ट्रैटेजी या फिर क्या की पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं कि जब आप पेपर लिख रहे हो तो आप इन पॉइंट्स को फॉलो करें सो दैट यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर आपको फुल चैनल एक्सेस चाहिए जिसमें आपको टेम्पेस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, हिस्ट्री, सिविक्स एज वेल एज बायो के सारे चैप्टर्स अगर आपको अवेल करने हैं देन यू हैव टू पे ₹119 पर मंथ और उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। और जिन लोगों को नहीं पता कि आखिर ज्वाइन बटन पे कैसे क्लिक करना है तो उन लोगों के लिए हमने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। साथ ही साथ ज्वाइन बटन का भी हमने लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो काइंडली गो एंड गेट द फुल चैनल एक्सेस। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कि हाउ टू स्कोर वेल इन इंग्लिश लैंग्वेज 2020 पेपर। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बात करनी है कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट देखना है कि आपको कैसे 120 मिनट्स के अंदर अपना पूरा पेपर कंप्लीट करना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ये कहते हैं कि मैम द पेपर वॉज वेरी लेंदी एंड वी वर नॉट एबल टू कम्प्लीट द पेपर विद इन द गिवन टाइम लिमिट। तो हमें इस तरह से अपना स्ट्रैटेजी रखनी है कि हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए विद रिवीजन। तो देखिए, उसके लिए मैंने क्या करा है, सी आई एम ऑल्सो एन आईएससी स्टूडेंट, तो मुझे पता है किस तरह से हमें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। सो सी, आपको एसे अपना कंप्लीट करना है विद इन 30 मिनट्स। ओके, एसे को करिए 13 मिनट्स, 30 मिनट्स में कंप्लीट। आफ्टर दैट लेटर जो आप करेंगे, सी उसको आप 20 मिनट्स के अंदर ओवर कर लीजिएगा। एंड आफ्टर द लेटर जो आपका बात आती है नोटिस या फिर आपको चॉइस मिलती है मेल की, उसको आप प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा 15 मिनट्स के अंदर। ओके, और अनसीन पैसेज को आप लोग इसे कंप्लीट करें 25 मिनट्स में। आफ्टर दैट जो ग्रामर का पार्ट बचता है, ग्रामर का पार्ट में काफी इतना नहीं रहता, तो उसको 20 मिनट्स में आप कंप्लीट कर लीजिएगा प्लीज। तो इसके अकॉर्डिंग आपका पेपर 110 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप पेपर अपना गिव विद द गिवन टाइम से 10 मिनट्स पहले ओवर कर पाएंगे तो इन दोस 10 मिनट्स आप क्या कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे। रिवीजन के साथ अगर आपको कोई अलग पॉइंट्स याद आ जाते हैं या कोट याद आ जाता है जो आप अपने एसे, लेटर या मेल में मेंशन करना चाहते हैं, वो मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ग्रामर पार्ट में अपना एक बार चेक कर सकते हैं कि मैंने जो सही वर्ब्स लिखे हैं या मैंने जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो सही है या नहीं है। तो इसको आप अपने 10 मिनट्स के रिवीजन में कर सकते हैं, एज वेल एज आप जो अपने कोट्स वाला हाईलाइट करना चाहते हैं आप वो हाईलाइट करने का पार्ट भी इसी 10 मिनट्स में आप कंप्लीट कर सकते हैं। सी, काफ़ी स्कूल में कहा जाता है कि बोर्ड के पेपर की सीक्वेंस मेंटेन करें, कि प्लीज़ मेंटेन द सीक्वेंस, कि कोई कहता है कि जो जैसा पेपर सीक्वेंस दिया है क्वेश्चन का हमें उसी में करना चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको कहेगा कि आपको सबसे पहले अपनी आपको अनसीन पैसेज करना चाहिए, उसके बाद आपको फिर अपना लेटर करना चाहिए, लेटर करने के बाद आपको मेल या नोटिस पार्ट करना चाहिए, फिर ग्रामर पार्ट एट द एंड यू शुड डू योर एसे राइटिंग पार्ट। पर अगर काफ़ी बच्चे कहते हैं कि हमारे स्कूल में कहा गया है कि नहीं सीक्वेंस में करना है, देन यू गो फॉर द सीक्वेंस। पर टाइम सबके लिए सेम रखिएगा, तभी टाइम मैनेजमेंट हो पाएगी। अब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जैसे फेवर करता है कि इस पैटर्न में पेपर फॉलो करना चाहिए कि पहले अनसीन पैसेज, उसके बाद लेटर, देन नोटिस मेल, उसके बाद ग्रामर पार्ट एंड एट द एंड यू आर डूइंग द एसे। ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको बताते हैं और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं भी खुद एक आईएससी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मैंने भी अपना 10th का और 12th का बोर्ड आईसीएससी और आईएससी से ही दिया है, मैंने इसी सीक्वेंस को फॉलो करा था एंड आई गॉट वेरी गुड मार्क्स। ओके, तो इसलिए ये कोई बात नहीं है, कोई कहता है कि अगर इस सीक्वेंस में फॉलो नहीं करेंगे तो मार्क्स गलत आएंगे या मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स कटेंगे, इट्स जस्ट सम मिथ। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हम सीक्वेंस बताते हैं अगर आप उसमें फॉलो करेंगे तो किस तरह से हमें पेपर को करना है, और इसी में मैं आपको टिप्स बताती जाऊंगी। लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब आपके 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम होगा, उस 15 मिनट्स में आपको कुछ रीड नहीं करना, खाली अनसीन पैसेज उठाना है और रीड करना शुरू कर देना है। पेपर आप बाद में रीड करिएगा, पहले आपको अनसीन पैसेज उस 15 मिनट से लेके, लेट से आपने 15 मिनट की जगह आपने 20 मिनट्स ले लिए प्लस 5 मिनट्स मोर, तो आपको 20 मिनट्स में आपने अनसीन पैसेज रीड कर लिया। उससे आपको फायदा क्या रहेगा,
कि जब आप आपका राइटिंग टाइम होगा, आप उस राइटिंग टाइम मतलब उस 2 आवर्स में आप अपना अनसीन पैसेज रीड नहीं करेंगे, तो आपका उसमें राइटिंग टाइम ही बचेगा और आपका राइटिंग टाइम सेव होगा। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, 15 मिनट से पूरा पेपर रीड करते हैं और जब 2 आवर्स में उनका राइटिंग टाइम होता है उसमें बैठ के वो लोग अनसीन पैसेज रीड करते हैं, फिर कहते हैं उनका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया एंड द पेपर वॉज वेरी लेंदी। ये एक गलती करते हैं। तो जो आपको 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलेगा, आप उसका पूरा 100% फोकस अपने अनसीन पैसेज के रीडिंग पे ही करेंगे फोकस। ठीक है, आपने रीडिंग कर ली, ठीक है, लेट्स टेक, आपने 20 मिनट्स ले लिए अपने अनसीन पैसेज के लिए, वेरी गुड, टेक 20 मिनट्स। जैसे ही आपने अनसीन पैसेज रीड करा, सिंस आपने अनसीन पैसेज अभी 1 मिनट पहले ही रीड करा है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि उसके बाद आप डायरेक्टली सारे क्वेश्चंस अनसीन पैसेज के ही अटेम्प्ट करें। सो आप पहले क्या करेंगे, बस अपनी नंबरिंग ठीक रखें। ओके, आप में नंबरिंग डाल देंगे कि ये क्वेश्चन नंबर ये है, सेक्शन ये, पहले सेक्शन डालेंगे फ्रॉम द फ्रेश पेज, उसका डालेंगे दिस इज अ क्वेश्चन नंबर, उसका ये सब पार्ट है, इतने मार्क्स का है, फिर अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट करें। सी, इफ द क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स देन यू शुड एटलीस्ट राइट 5 to 6 लाइन्स। ओके, और प्लीज एग्जैक्टली अनसीन पैसेज की वही लाइन्स कॉपी ना करें, क्योंकि अनसीन पैसेज कभी कभार फर्स्ट फॉर्म में होता है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म में होता है, फर्स्ट लैंग्वेज में होता है, तो आपको उसे इनडायरेक्ट में थर्ड पर्सन में कॉपी करना पड़ेगा, तो इसलिए जैसे एज दे सेड, शी सेड, ऐसे आपको करना पड़ेगा उसको थर्ड पर्सन में कन्वर्ट, तो इसलिए डायरेक्टली कॉपी ना करें, ठीक है, और थोड़ा सा अपना भी बीच में 1-2 सेंटेंस 1-2 वर्ड्स डालें, सो दैट एग्जामिनर को लगे कि दिस पर्सन हैज नॉट कॉपीड डायरेक्टली फ्रॉम द अनसीन पैसेज। ओके, ये हो गया। अब अनसीन पैसेज में दूसरी बात आती है ड्राफ्ट बनाने की। जो लास्ट क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का होता है उसमें आता है जैसे डिस्क्राइब द एंटायर स्टोरी विद इन 50 वर्ड्स। अब उसके लिए आपको क्या करना है, 50 वर्ड्स, ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले बनाएंगे रफ ड्राफ्ट। रफ ड्राफ्ट आपको कुछ नहीं, खाली एक पेपर की नीटनेस के लिए देता है, और रफ ड्राफ्ट के 3 मार्क्स होते हैं, और उसके बाद आप बनाएंगे फेयर ड्राफ्ट। सी, फेयर ड्राफ्ट और रफ ड्राफ्ट, रफ ड्राफ्ट में यू कैन डू ऑल योर कटिंग्स, आप उसमें जो भी आप रफ काटा पीटी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट फेयर ड्राफ्ट में नहीं। फेयर आप रफ ड्राफ्ट का भी देखिए, एक आइडिया देखिए, आप क्या करेंगे, 5 कॉलम्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, ये 5 कॉलम्स एंड 10 रोज, ठीक है, ये 10 रोज हो गई आपकी, ये 1 से लेके 10 तक आपकी रोज हो गई, और ये 1 से लेके 5 तक आपके कॉलम्स हो गए। ओके, ये आपके 5 कॉलम्स हैं, इसमें आप कोशिश करें जितनी भी आपको काटा पीटी करनी है आप इसमें करिए, नो प्रॉब्लम, नो इशू, ठीक है, इसमें आपको कोशिश करना है कि 50 के अंदर आपका आ जाए। ओके, मेक इट 50 एग्जैक्ट। ओके, ये हो गया आपका। अब फेयर ड्राफ्ट को आपको प्रॉपरली बनाना है, आपको रोज बना दिया आपने, और इधर फिर आप अपने कॉलम्स बनाएंगे, ठीक है, ये आपके 10 रोज हो जाएंगे, और ये आपके 5 कॉलम्स। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपका 1 स्टार्ट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसमें आपको प्रॉपर एज इट इज लिखना है विदाउट एनी कटिंग, एक भी कटिंग और एक भी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फेयर ड्राफ्ट है, एग्जामिनर बैठ के आपके वर्ड्स काउंट नहीं करेगा, तो आपको प्रॉपरली वेरी नीट, इट शुड बी एक्सट्रीमली नीट, वेरी नीट, इसे नीट हैंडराइटिंग में विदाउट एनी कटिंग ओवर राइटिंग, इसको अच्छे से फेयर ड्राफ्ट ऑफ ड्राफ्ट में जितने आपने 50 वर्ड्स लिखे थे उसे एज इट इज कॉपी कर लीजिए। ओके, आप ये जो रो और कॉलम्स बनाएंगे उससे एग्जामिनर पे आपको पता चल जाएगा, एग्जामिनर को बैठ कर रीड नहीं करना पड़ेगा कि आपका 50 वर्ड्स का है। रफ ड्राफ्ट के मार्क्स होते हैं और फेयर ड्राफ्ट के भी मार्क्स होते हैं, फेयर ड्राफ्ट कैरी रिमूव मार्क्स। ओके, ये थी आपकी बात अनसीन पैसेज की, आपने अनसीन पैसेज कवर कर लिया। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको बताता है कि आफ्टर यू हैव अटेम्प्ट योर अनसीन पैसेज आपको क्या अटेम्प्ट करना है, लेटर। अब लेटर अटेम्प्ट करने के लिए देखिए, लेटर में आपको 20 मिनट्स हैं, आराम से लिखिएगा लेटर। पहले तो सबसे पहले उसका जो सिंटेक्स है या जो उसका फॉर्मेट है उसको कॉपी अच्छे से, जो उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, फिर वो कौन सा भी हो, चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, और पॉइंट टू पॉइंट रहिएगा, और मेक श्योर दैट लेटर डज नॉट एग्जिस्ट मोर देन 1 to 1 एक्सटेंड नहीं होना चाहिए 1.5 से 2 पेजेस से ज़्यादा। अगर जिनकी राइटिंग बड़ी है तो वो 2 पेजेस के अंदर अपना लेटर कवर करें, जिनकी राइटिंग अगर नॉर्मल है तो 1.5 पेज में दे शुड कम्प्लीट दियर लेटर। और ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी बच्चे योर्स में अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, इट्स योर्स। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी बहुत रेयर मिस्टेक, ये बहुत ईजी मिस्टेक्स हैं जो फाइंड मैंने देखी हैं पेपर्स में। लेटर के बाद हम लोग बात करते हैं, उसके बाद आता है नोटिस या मेल, आपको चॉइस रहती है राइट अ नोटिस या फिर मेल। ओके,
ये आपके ऊपर है आप क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं। बस ये याद रखिएगा जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं आपको 15 मिनट्स के अंदर करना है आफ्टर डैट। और आपको नोटिस याद रखना है, नोटिस शुड नॉट एक्सटेंड मोर देन हाफ पेज, इससे ज़्यादा आपको एक्सीड नहीं करना, मोर देन 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज, नॉट मोर देन डैट। सेम गोज फॉर द मेल, मेल आप 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेच ना करें मेल को क्योंकि ये फॉर्मल रहते हैं। मेल के बाद हम लोग बात करते हैं ग्रामर की। देखिए ग्रामर में आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, और एक इंपॉर्टेंट बात, योर एवरी क्वेश्चन शुड स्टार्ट विद अ फ्रेश पेज, चाहे वो फिर मेल हो, नोटिस हो, लेटर हो, अनसीन पैसेज हो, और या फिर आपका आपका एसे पार्ट हो या फिर आपका ग्रामर हो, एवरी क्वेश्चन फ्रेश पेज। वैसे ये लैंग्वेज का पेपर है, आपके क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स मैटर्स द मोस्ट, तो आपको आई रिकमेंड यू दैट यू शुड स्टार्ट एवरी क्वेश्चन विद अ फ्रेश पेज। आईसीएसई में कोई रूल्स नहीं है कि यू शुड फिनिश द पेपर बिटवीन 10 मिनट्स या फिर 10 पेजेस या फिर 20 पेजेस, यू कैन टेक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ पेजेस। तो प्लीज़ स्टार्ट करें एवरी क्वेश्चन विद अ न्यू पेज एंड विद प्रॉपर नंबरिंग। सिंस आपकी सीक्वेंस चेंज है, आगे पीछे है, तो नंबरिंग और या लेबलिंग ऑफ द क्वेश्चन शुड बी प्रॉपर, इसको ध्यान रखिएगा। रिवीजन में 2-3 बार चेक कर लीजिए कि आपने नंबरिंग क्वेश्चन की सही करी है या नहीं करी है। ओके, अब आपको ग्रामर पार्ट में डायरेक्टली कुछ नहीं करना, क्वेश्चंस कॉपी नहीं करने, डायरेक्टली उनके आंसर्स लिखते जाइएगा। फर्स्ट में आपको एक थोड़ा पैसेज सा आता है, उसमें आपको वर्ब्स फिल करने पड़ते हैं, डायरेक्टली उनके आंसर्स लिखिएगा। सेकेंड पार्ट में आपको सिंपली कुछ नहीं करना, टेंसेज डू एज डायरेक्टेड होता है, उसको भी डायरेक्टली उनके आंसर्स लिखते जाइएगा। और थर्ड पार्ट में आपको आता है कि विदाउट यूजिंग एंड बट वाला का, उसको भी ध्यान से करिएगा। और आप में बेस्ट है एक बार अपने 10 ईयर्स देख लीजिएगा, 10 ईयर्स से रिवाइज कर लीजिए, उससे आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बात आती है एट द एंड यू आर अटेम्प्टिंग योर एसे। एसे 30 मिनट्स, मतलब 40 मिनट्स आर रिमेनिंग एंड यू हैव टू अटेम्प्ट योर एसे। हम लोग एसे इसलिए कहते हैं लास्ट में लिखने का, इसका कोई रीज़न हमारे पास पर्टिकुलर है। हम लोग एसे हवा में नहीं कह रहे कि आप एसे लास्ट में लिखिए। देखिए एसे क्या होता है, आपको अपने इमेजिनेशन से बनाना होता है, ये आप पहले से याद करके तो आते नहीं है, एसे में इमेजिनेशन होती हैं। तो अगर मान लीजिए आपने अगर एसे पहले अटेम्प्ट करा, आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, आपने बहुत सारे पॉइंट्स लिख दिए, बाद में आपको याद आया अरे यार ये वाला पॉइंट भी मैं लिख देती तो इससे बहुत बेटर रहता, इससे भी पॉइंट से मेरे को और मार्क्स मिल जाते, पर क्या करा आपने, आपने तो ऐसे पहले लिखा हुआ है, तो आपने जब ऐसे पहले लिखा हुआ है तो आप पॉइंट कहाँ पे ऐड करेंगे, यू डोंट हैव एनी स्पेस और पेज लेफ्ट टू ऐड योर पॉइंट्स, तो ये गलती होती है। तो ऐसे में बंदे को रुक रुक के पॉइंट्स याद आते हैं कि अरे ये पॉइंट भी लिख लेती हूँ, ये भी लिख लेती हूँ, इसलिए हम कहते हैं ऐसे लास्ट में लिखें, क्योंकि अगर ऐसे आप लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस एंड एम्पल नंबर ऑफ पेजेस टू ऐड ऑन, तो उससे आपको जितने पॉइंट्स लिखने आप लिखते रह सकते हैं, ये एक रीज़न रहता है। और ऐसे में आपको फिर ये एक मेंटल स्ट्रेस नहीं रहता है कि अरे मेरे को जल्दी अपना ऐसे कंप्लीट करना है क्योंकि मेरे को उसके बाद अपने बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं, तो आप एक जो होता है मेंटल स्ट्रेस उससे भी रिलीव्ड रहते हैं या फ्री रहते हैं कि अब मेरे को कुछ नहीं करना, खाली ऐसे पे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि मेरे को सिंपली जो स्ट्रेस अब मेरा मेन क्या है ऐसे पे ही है, क्योंकि अब मेरे पास और कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को नहीं है। तो हमारा यही रीज़न रहता है कि ऐसे को लास्ट में ही करें। अब ऐसे में भी आई गिव यू, आपके पास जो चॉइसेस होती हैं तो हम उससे रिकमेंड करते हैं कि आप तो या तो डिबेट वाले ऐसे चूज़ करें कि इफ़ यू आर अगेंस्ट और फॉर जो आपको आता है, या फिर कभी कभी आता है कि आप कहीं जा रहे थे तो एक्सप्लेन दैट सिनेरियो या एक्सप्लेन द सीन, वैसे टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, उसको करें, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यूज़ वाला तो आपका हो जाता है, या एक कभी कभार ऐसे आ जाते हैं कि इमेजिन यू हैव चेंज योर स्कूल रिसेंटली, तो फिर एक्सप्लेन द न्यू एक्सपीरियंसेस दैट यू आर सीइंग इन योर स्कूल, इस टाइप के ऐसे को ज़्यादा करें। मतलब एक तो इमेजिनेशन वाले होते हैं कि आप यहाँ जा रहे हैं, या फिर आपने कुछ चेंजेस करे हैं उसके रिगार्डिंग अब आप अपने एक्सपीरियंस बताइए, ठीक है। मैं रिकमेंड करती हूँ डिबेट वाले करें अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, इमेजिनेशन वाला कर सकते हैं, चेंजेस वाला भी। सी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डज नॉट सपोर्ट कि आप ओरिजिनल स्टोरी वाला करें, ये इसके रीजंस हैं। जैसे होता है कि लास्ट ईयर का जो सैम्पल पेपर में आया था ओरिजिनल स्टोरीज के रिलेटेड कि राइट अ स्टोरी एंड टाइटल विद लॉस्ट एंड फाउंड, तो अगर आपको लगा है कि आपने लॉस्ट एंड फाउंड के ऊपर एक स्टोरी लिख दी बट एग्जामिनर को वो स्टोरी इतनी कन्विंसिंग नहीं लगी कि उसका जो टाइटल लॉस्ट एंड फाउंड ही होना चाहिए, या फिर एग्जामिनर को आपकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग लगी उसने रीड नहीं करी उसने खाली ब्लाइंडली मार्क्स दे दिया आपको, तो ये बहुत इसमें एक रिस्क रहता है कि अगर कभी कभी एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू और आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस्ट एंड फाउंड स्टोरी का टाइटल सही था और आपने बहुत अच्छी लिखी थी आपके पर्सपेक्टिव से, पर एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से ये स्टोरी बेकार है,
तो कुछ हो, एक रिस्क रहता है इसमें, इट्स जस्ट लाइक अ ब्लाइंड हिट, तो इसको ना करें, इसलिए हम कहते हैं। और एक जो लास्ट में पिक्चर वाला ऐसे होता है ना, उसे भी मत करा करिए, क्योंकि पिक्चर वाले ऐसे में भी सेम सीन होता है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बना दी माउंटेन्स, या फिर लेट्स से मैंने ये लिख दिया यहाँ पे 6 और 2 पर्सन आर स्टैंडिंग, तो सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, ये कहेगा इट इज 9, ये कहेगा इट इज 6, तो यही सेम पिक्चर में होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो 6 है, तो मैंने पूरी स्टोरी अपना पूरा एसे इसके ऊपर लिख दिया, बट एग्जामिनर को लगा अरे इसने क्या लिखा है, ये तो है ही नहीं इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी, या इस पर्सपेक्टिव से तो ये पिक्चर इसको डिपेक्ट ही नहीं कर रही, तो आपके मार्क्स लूज हो जाएंगे। एग्जामिनर को लगेगा कि पिक्चर और कुछ इंडिकेट कर रही है, पर आपको लगेगा अरे ये पिक्चर तो ये इंडिकेट कर रही, कि मतलब ये पिक्चर ए इंडिकेट कर रही है आपको लग रहा है, पर एग्जामिनर को लग रहा है ये तो बी चीज इंडिकेट कर रही है। तो अगर क्या कहते हैं क्लैश ऑफ व्यूज हो गया तो आपके मार्क्स जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे टॉपिक्स को अवॉइड करें, कि जैसे जैसे अगर कहीं लग रहा है कि चाइल्ड, मतलब मान ली कोई बच्चा बना दिया उसको फैक्ट्री में बिठा दिया, किसी को लग रहा है कि चाइल्ड लेबर है, किसी को लग रहा है कि ये तो और कुछ है, कि कहते हैं पॉवर्टी इन इंडिया दिखा रहा है, ये रिस्क हो सकता है इन चीज़ों पे, क्योंकि ये आपके माइंडसेट के ऊपर है कि आप क्या रीड करते हैं इसको। जैसे ग्लास इज हाफ एम्प्टी, कोई कहता है ग्लास इज हाफ फुल, तो इन चीज़ों को ना करें अटेम्प्ट, क्योंकि इससे मार्क्स लूज होने के बहुत चांसेस रहते हैं। कोशिश करें डिबेट वाले टॉपिक पे करें, या फिर जहाँ पे इमेजिनेशन का आता है, या फिर आपको कभी अपने एक्सपीरियंस शेयर करने पड़ते हैं, ये थोड़े बेटर रहते हैं एज कम्पेयर टू दीज टाइप ऑफ टॉपिक्स। अब ये याद रखिएगा ऐसे में, इफ़ यू कैन कोट कोट एज मच यू कैन, कि किसी फेमस पोएट, फेमस ऑथर, फेमस राइटर, एनी वन, इफ़ यू वॉन्ट टू कोट अ साइंटिस्ट, अ टीचर, एनी वन, कोट कोट करें। इफ़ योर स्कूल सेज दैट यू कैन यूज ब्लैक पेन, गो फॉर द ब्लैक पेन। कोट करने के लिए डबल उसमें कोट्स के अंदर करें, और उसके बाद वरना आप चाहें तो ब्लॉक बना के भी कोट कर सकते हैं। मेक श्योर हाईलाइट करें, अगर आपको लग रहा है कि मैंने ये बहुत अच्छा वर्ड यूज़ करा है, जैसे पुअर को हम लोग इम्पिकेनियस भी कहते हैं, तो अगर आपने इम्पिकेनियस लिखा है तो उसकी जगह पुअर की जगह, तो आपको हाईलाइट करना है कि ये इम्पिकेनियस मैंने वर्ड लिखा है, एग्जामिनर को रीड करना चाहिए कि मैंने इम्पिकेनियस लिखा है, तो उसको हाईलाइट करें। तो हाईलाइट करने से क्या होएगा, एग्जामिनर को नए वर्ड्स दिखेंगे, उससे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है, साथ ही साथ एग्जामिनर को लगता है यस दिस पर्सन हैज अ वेरी गुड इंग्लिश। तो ये कुछ फायदे रहते हैं। सो आपको होप समझ में आएगा किस तरह से आपको अपना लैंग्वेज पेपर अटेम्प्ट करना है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गेट द फुल चैनल मेंबर एक्सेस, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम।